हेल्थ केयर सबके लिए होनी चाहिए। बीमार होने पर आप या आपके परिवार के लोग सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं? और क्या किसी को घटिया दवा दी जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। अमीरों के लिए मेदांता, अपोलो जैसे बड़े अस्पताल है, क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार जीने का अधिकार है। प्राइवेट अस्पतालों का जिक्र होता है, लेकिन क्वैक यानी झोला छाप डॉक्टर का जिक्र ही नहीं होता, जबकि लगभग 30% आबादी सबसे पहले झोला छाप डॉक्टर के पास जाती है। और गरीबों के लिए एक बेड नहीं मुयस्सर हो पाता है। बुखार की दवा एक कंपनी 2 रुपए की बेचती है, एक 5 रुपए की बेचती है, 10 रुपए की बेचती है। राज्य को स्वास्थ्य और शिक्षा दो दायरों से हटना नहीं चाहिए। जन स्वास्थ्य अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक तरह से शुरू किया गया था, पर हमारे देश में इसका स्लोगन था सबके लिए स्वास्थ्य, हेल्थ केयर सबके लिए होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे ये सिर्फ बीमारियों का मसला नहीं है, मतलब कि बीमार हुआ, बुखार हुआ, दवा दे दी, ये एक मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और एक सामाजिक स्वास्थ्य, मतलब जो हमारे समाज के अंदर भी वैमनस्य है, तनाव है, वॉयलेंस है, उससे भी कैसे बढ़ें और एक सुकून की ज़िंदगी होनी चाहिए नागरिकों की। तो सबके लिए स्वास्थ्य के एजेंडे के साथ जन स्वास्थ्य अभियान आज ये हुआ और इसमें कई महत्वपूर्ण पक्ष उठाए गए। इसमें दवाओं की पूरी जो निजीकरण है, जिसमें प्राइवेट कंपनियों के पास अनाप शनाप पैसा आता है, मुनाफा आता है, वो दवाओं के एक ही बुखार की दवा एक कंपनी 2 रुपए की बेचती है, एक 5 रुपए की बेचती है, 10 रुपए की बेचती है। अब अगर हम ये नहीं तय कर सकते कि एक ही जैसी बीमारी के लिए अलग अलग दवा क्यों है, और क्या किसी को घटिया दवा दी जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये जो भारत सरकार की ड्रग पॉलिसी है, उसके अंदर जो काला बाजारी है, जो जन औषधि की बिना जांच करे खेल हो रहा है, अस्पताल नहीं है, स्वास्थ्य में कटौती हो गई है, सबको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, लेकिन आज अमीरों के लिए मेदांता, अपोलो जैसे बड़े अस्पताल हैं और गरीबों के लिए एक बेड नहीं मुयस्सर हो पाता। कोविड का हमने तबाही देखी, पर इसके बाद भी सरकार ने स्वास्थ्य के बजट में कटौती कर रखी है। गांवों के अंदर, कस्बों के अंदर PHC चलते नहीं है, चलेंगे कैसे, डॉक्टर्स नहीं है, 70% 72% सीट्स खाली पड़ी हैं। हर इस पर जो भी स्पेशल उसके लिए ट्रीटमेंट हो सकता है, डॉक्टर्स हो सकते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हो सकता है, ये बड़े चिंताजनक बात है। तो आज जन स्वास्थ्य अभियान के अंदर डॉक्टर, रिसर्चर, साइंटिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट इकट्ठा हुए, हम लोगों ने तय किया कि स्वास्थ्य के मुद्दे को सरकार तक भी पहुंचाएं कि सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर सरकारें ना सुने तो जनता तक पहुंचाएं, जनता के लोगों तक पहुंचाएं कि हम अपने आने वाली सरकारों को चुनते समय, उनको परखते समय ये ध्यान रखें कि उनके एजेंडे में स्वास्थ्य कितना है, अपने पूंजीपति दोस्तों के मुनाफे में बदलने के लिए है या आम जनता, आम गरीबों तक स्वास्थ्य पहुँच सकता है, वो बिना स्वास्थ्य में अपना बजट खर्च करे, बिना अपनी तबाही लाए हुए भी जी सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार जीने का अधिकार है और सबको जीवन के लिए ज़रूरी है सबको स्वास्थ्य मिले। तो हेल्थ फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल का जो मोटो है वो पूरा होगा। स्वास्थ्य से संबंधित जो पब्लिक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ किन इश्यूज़ पे चर्चा हुई? देखिए, जन स्वास्थ्य अभियान जनता के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका जो अधिकार है स्वास्थ्य का, उसको सही रूप में लागू किया जाए। जो स्वास्थ्य नीतियां हैं भारत की, चाहे स्वास्थ्य नीति 2017 है, उसको सही रूप में इम्प्लीमेंट किया जाए। जो बजट पारित किया जाता है उसका सही एलोकेशन करके और जनता तक पहुंच सके। जैसे कुछ योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत अभियान है, अब उसको जनता तक पहुंचाने के लिए CHOs नियुक्त किए गए हैं, लेकिन कई बार जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, इनकी सही निगरानी, लेकिन निगरानी के लिए जो अधिकारी होने चाहिए जितने, उनकी कमी है, स्टाफ की कमी है, CHC PHC और जिला अस्पताल लेवल पर भी। तो जनता तक सुविधाएं तभी हम उपलब्ध करा पाएंगे जब हमारा जो मानव संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में हो और जो नीति निर्माण के लिए जो आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं उनमें बहुत घपला होता है। यहाँ तक कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसके आंकड़े जो एकत्र किए जाते हैं उसकी प्रश्नावली में भी
कई बार इस तरह की प्रश्न नहीं पूछे जाते जो वास्तव में पूछे जाने चाहिए। प्रश्न पूछा जाता है कि बीमार होने पर आप या आपके परिवार के लोग सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं, तो उसमें सभी तरह के सरकारी अस्पतालों का जिक्र होता है, प्राइवेट अस्पतालों का जिक्र होता है, लेकिन क्वैक यानी झोला छाप डॉक्टर का जिक्र ही नहीं होता, जबकि लगभग 30% आबादी सबसे पहले झोला छाप डॉक्टर के पास जाती है। अब वो उसको जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर है वो लिखेगा नहीं झोला छाप का जिक्र, तो झोला छाप की जगह पर वो प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट अस्पताल क्लिक कर देगा। तो ये जानबूझ करके है या प्लांड वे में नियोजित तरीके से है, इन पर इन मुद्दों को भी देखने की ज़रूरत है। इस पूरे जन स्वास्थ्य अभियान के की जो प्राथमिकताएं हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं, ये अच्छी पहल है, लोग लगातार मिलते हैं और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसमें उभर की चीज़ आई कि दरअसल राज्य को स्वास्थ्य और शिक्षा दो दायरों से हटना नहीं चाहिए। स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य तभी संभव है, तभी हर व्यक्ति तक चिकित्सा पहुंच सकती है, दवाएं पहुंच सकती हैं, जब सरकार उसमें सक्रिय रहे। इसलिए राज्य की जिम्मेदारी है सबके लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था करें। द मूक नायक की खबरें अब ऐप पर भी, इसे आप गूगल प्ले स्टोर या दिए गए QR कोड से स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। वंचित शोषितों की खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट और वीडियो अब एक ही प्लेटफॉर्म पर। डाउनलोड करें और रेटिंग देना ना भूलें।